हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजु बूस्टर्स। बच्चा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पायरिला के बारे में, जिसे सुगर केन लीफ हॉपर कहा जाता है, या ये लीफ हॉपर सुगर केन है जो पायरिला नाम से जाना जाता है। बच्चा, हम ये वीडियो बनाने के पहले थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, पहले नहीं वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, कि बहुत से बच्चों को प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को क्लिक किया करो, एजु बूस्टर्स लिखा करो, उसके नीचे सारा आपको मिल जाएगा। उसमें आप जाओगे, जो इधर उधर घसकाने पे आपको दिखेगा, वहाँ पे चैनल लिखा रहेगा, कम्युनिटी लिखा रहेगा, अबाउट लिखा रहेगा, वहीं बगल में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे, सीरियल से हमने हर यूनिट के टॉपिक वाइज, जैसे ट्रिपैनोसोमा है, गंधी बग है, इन सबको हमने टॉपिक वाइज एक एक करके प्लेलिस्ट बनाया है। तो आप BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिस क्लास के हैं, आप वहाँ पर जाके आसानी से सर्च कर सकते हैं। सो प्लीज़ प्लेलिस्ट आप वहाँ देखें, उसके बाद कमेंट किया करिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, सर वीडियो आपका सीरियल से नहीं मिल रहा है, इसका प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है। तो वहाँ आप जाओगे, हमने सीरियल से उसको करवा के रखा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हो। उसी में बेटा 3-4 घंटे 5 घंटे जाता है, जो टेक्नीशियन लगे रहते हैं, बार बार उसको सेट करते हैं, इसका प्लेलिस्ट अच्छा होना चाहिए, थंबनेल अच्छा होना चाहिए, सारी एडिटिंग चलती रहती है। मात्र वीडियो बनाने से ही नहीं सब कुछ होता है, उसको सेट करके सीरियल में हम लोग रखते हैं कि सारे बच्चों के पास टाइम से वो प्लेलिस्ट मिलता रहे, जिससे वो वन बाय वन, अगर वो नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना ले। और इसके पहले क्या है कि वहाँ पे पड़े हुए सारे क्लासेस के जो वीडियो पड़े हैं, आपने एक बार तो देख लिया, देन उसके बाद उसको क्या करें कि आप नेक्स्ट टाइम जब मन करे आप देख सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप एवरी टाइम जब मन करे आप देख सकते हो। बच्चा उसे क्लोज करना, सॉरी, क्योंकि रात का टाइम है बेटा, दिन में हम बना नहीं सकते, रात में बना रहे हैं तो थोड़ा सा वो आवाज़ आ रहा है बार्किंग का, अभी हम क्लोज करा दे रहे हैं तो शायद क्लोज हो जाए, लेकिन वो पता नहीं क्या बात है कि हम ही से चिढ़ गया, जब हम शूट करते हैं तभी ये वॉयस करता स्टार्ट कर देता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पायरिला, इसको सुगर केन लीफ हॉपर भी बोला जाता है, ये है क्या, ये एक आर्थ्रोपोड है बच्चा, ये ध्यान देना, ये एक आर्थ्रोपोड है जिसके पास बहुत सारे जॉइंटेड लेग्स होते हैं, वो आर्थ्रोपोड्स ही होता है, और कीड़े की प्रजाति धरती पर सबसे ज़्यादा कही जाती है। तो उसमें ये भी एक है जो पायरिला है, जो किसको इफेक्ट करता है, गन्ने को। गन्ने का पौधा आप लोग देखे होंगे, अगर आप जाएं खेतों में तो गन्ने का पौधा आपको मिल जाएगा, और उसकी जो पत्तियां आपको दिखलाई देती हैं, जो मैरून कलर की हो जाती हैं, डार्क मैरून कलर या डार्क रेड कलर की हो जाती हैं पत्तियां, और देखोगे तो वो लगता है सूखने जैसा लगता है पौधा, लेकिन वो सूखा नहीं होता है, वहाँ पर ये डिजीज़ लगे होते हैं, जो पायरिला है ये उसको इफेक्ट पहुँचाया होता है, जिससे उसमें डिजीज़ लग जाते हैं। जरा इसके बारे में हम देख लेते हैं, द सुगर केन लीफ हॉपर पायरिला इज आर्थ्रोपोड विच अफेक्टेड द सुगर केन क्रॉप। ये क्या है, एक आर्थ्रोपोड है जो इफेक्ट करता है सुगर केन क्रॉप पे, गन्ने के पौधे पे ज्यादा इफेक्ट करता है, और उसके पत्तियों पे ज्यादा देखा जाता है। लीफ हॉपर, हॉपर मतलब आप टिड्डा से समझी रहे हो, जैसे ग्रास हॉपर वैसे ही लीफ हॉपर, और ये किसका, सुगर केन का, गन्ने का। तो देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। सभी एनिमल में आप लोग याद रखो कि हमने सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन दे दिया, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है राइट आउट द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ दिस एनिमल, तो सिस्टमेटिक पोजीशन को ही क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पायरिला। तो यहाँ पे क्या है, फाइलम, फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जहाँ पे जॉइंटेड लेग्स होते हैं उनको हम आर्थ्रोपोड कहेंगे। क्लास क्या है, इंसेक्टा, इंसेक्टा मतलब ये कीड़े मकोड़े हैं, और ये कीड़ों की प्रजाति सबसे ज़्यादा होती है। आर्डर इसका क्या है, हेमिप्टेरा, देन जीनस की बात करेंगे पायरिला, और ये जो स्पेसीज है पर्फसीला, पर्फसीला इसको बोलते हैं, ये इसकी एक स्पेसीज होती है, और भी स्पेसीज है, लेकिन हमको यहाँ पे इसकी बात करनी है जो गन्ने पे इफेक्ट पहुँचाता है। जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि फैलाव, कहाँ तक ये पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा, ये हम देख लेते हैं। द पायरिला डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर इंडिया, यानी भारत में ये सभी जगहों पे पाए जाते हैं। इट इज़ मोस्टली, शायद ये स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, हमारी उम्मीद से सही है। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन यूपी, एमपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, जहाँ पे गन्ने की खेती ज़्यादा होगी वहीं पे ये ज़्यादा नंबर में पाए भी जाएंगे। तो ये आपको क्लियर ही होना चाहिए, जहाँ गन्ना होगा वहाँ ये कीड़े होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर है बच्चा, इसी में इन यूपी, जब हम बात करेंगे यूपी में, क्योंकि सिलेबस यूपी की चल रही है तो यूपी में आप देखोगे ज़्यादा। इन यूपी दिस पेस्ट काजेज सेवर डैमेज इन मेरठ, मुजफ्फरनगर
एंड सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी आप ये कह सकते हैं यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये ज़्यादा देखे जाते हैं। बच्चा एक बात और हम कहना चाहेंगे, इसमें बहुत से बच्चे राजस्थान से और एमपी से, बिहार से, कई जगहों से जुड़े हुए हैं। हमने कमेंट में देखा उनका, जब हम नाम पूछते तो बच्चे अपना दे देते हैं कि हम कहाँ से हैं। तो बच्चा एक चीज़ हम कहेंगे कि आप प्लीज़ अपने यहाँ का सिलेबस एक बार देख लो, उसके बाद हमारे वीडियो पे पढ़ो, पढ़ते रहो आप, हम ये नहीं रोक रहे कि आप मत पढ़ो, लेकिन प्लीज़, क्योंकि ये सिलेबस यूपी के हिसाब से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगे बाद में कि सर ने बेवकूफ़ बनाया और हमको बैठा के अपने क्लास में रखे रह गए, अपने वीडियो को दिखाते रह गए, तो ऐसा नहीं है बेटा। हम फिर से कहना चाहेंगे ये यूपी के लिए है, और यूपी में भी कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि सिलेबस, और वहाँ पे भी जैसे राजस्थान, बंगाल, ये बिहार, एमपी, इन सब जगहों पे भी सिलेबस में यही चीज़ पढ़ना है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी सेमेस्टर आपको मिलेगा तो किसी सेमेस्टर में ये आपको पहले मिल जाएगा, कहीं बाद में मिलेगा, रहेगा यही चीज़ सेम रहेगा। तो एक बार प्लीज़ आप अपने सिलेबस को मिला लें, और सिलेबस के मिलाने के बाद यहाँ के सिलेबस से मैच कर लें, जो चैप्टर आपको मिले वो स्टडी करिए। एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे कि कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं, जैसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस को पढ़ा रहे थे एक बार, तो वहाँ हमने देखा कि कुछ पोर्शन ऐसा था जो सेकेंड ईयर से मैच कर रहा था, यहाँ का जो MGKBP विद्यापीठ का सिलेबस है उसके सेकेंड ईयर के सिलेबस से मैच कर रहा था थर्ड ईयर का सिलेबस। तो ऐसा भी किसी स्थिति में देखा जाता है कि क्या होता है, कहीं कहीं के थर्ड ईयर के सिलेबस फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से कुछ मैच करते हैं। तो आपको ये क्लास सब कुछ मिल जाएगा जब हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का वीडियो डाल रहे हैं, तो आप वहाँ भी एक बार देख लिया करो कि शायद आपका वो सिलेबस का टॉपिक यहाँ किसी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में तो नहीं है। अगर है तो निधड़क आप उसको पढ़िए, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं आपको पढ़ना है। वो अगर हम थर्ड ईयर में यहाँ लेके पढ़ाएं तो थर्ड ईयर में है, नहीं वो फर्स्ट ईयर में है तो आपके यहाँ हो सकता है वो थर्ड ईयर में हो, या सेमेस्टर आगे पीछे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके इधर उधर किया होगा। तो इससे आप कन्फ्यूज ना हो, पढ़ना वहीं है, कहीं आगे और कहीं पीछे होगा। सो प्लीज़ आप ये ना समझे कि हम हर जगह के बच्चों को बैठा के अपने इसमें रख लिए हैं चैनल में, लेकिन मिल रहा है सिर्फ थर्ड ईयर यूपी का। तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, हम दे रहे हैं जो भी चीज़ें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, आप उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने देख लो। अगर आपके यहाँ से मिल रहा है तो प्लीज़ पढ़ना, नहीं तो प्लीज़ ऐसा नहीं है कि आप हमारे चैनल पर बने ही रहो भाई। आप और कहीं मिल रहा है तो पढ़ो, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आप लोगों को पूरा पूरा देते रहें, ठीक है बच्चा। चलिए तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम लोग इसके फूड प्लांट्स की तरफ जरा ये देख लेंगे। इसके पहले वही जो हमने बात कही थी वो फिर से थोड़ा हम रिपीट करना चाहेंगे। जैसे वहाँ पे हमने बता दिया कि आप अपने सिलेबस से मैच कर लें, तो यहाँ हमने क्या किया है कि जो यूपी लेवल पे सिलेबस है, जो ज़्यादातर यूज होता है पूर्वांचल में और MGKBP में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ हमने क्या किया है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों सत्र का सिलेबस वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ है। बच्चा आप अपने यहाँ के सिलेबस को एक बार जिस सत्र में आप पढ़ रहे हो उस सत्र का सिलेबस आप देखो, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का एक 10-15 मिनट का वीडियो है, एक एक बार करके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको इस, क्योंकि हम वीडियो में पूरा क्लास देंगे बच्चा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, तो आपको वो चैप्टर पक्का मिलेगा, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा। आप किसी भी स्टेट से रहो आपको वो यहाँ मिलेगा, पक्का मिलेगा। इसलिए आप उसको एक बार हमारे किसी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सिलेबस से मिला लो। अगर मैच कर जा रहा है किसी सत्र से तो आप उस सत्र का वीडियो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसे हमने कोई भी टॉपिक डाला, आप सब्सक्राइब किए हो, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन दबा दो, आपके पास नोटिफिकेशन समय पे जाएगा, और थंबनेल में आप देख लिया करो कि ये किससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया, वहाँ हम लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप अपने यहाँ का सिलेबस एक बार देख लिए हो तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि ये सिलेबस हमको मिल गया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकेंड ईयर का हो, चाहे थर्ड ईयर का हो, उससे मतलब नहीं है। आपको बस क्लास से मतलब होना चाहिए बच्चा, कि आपका पूरा क्लास और कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो आप उसको एक बार देख लिया करो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का थंबनेल हो या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का, अगर वो चैप्टर आपके चैप्टर में मिल रहा है तो प्लीज आप उसको पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर हम किसी डिजीज को पढ़ाएंगे तो डिजीज बदल तो जाएगा नहीं, कोई वायरस पढ़ाएंगे, कोई बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, या कोई ये प्लांट पे इफेक्टेड जो इंसेक्ट है इसको पढ़ाएंगे, तो वो तो वही रहने वाला है। तो आप उसको देख सकते हो, सारा नोट्स यहीं आपको मिलेगा, चाहे वो सत्र कोई भी हो, नोट्स यहीं रहता है बेटा। तो चलते हैं फूड प्लांट्स की तरफ। पायरीला इज अ मेजर पेस्ट, ये मेजर पेस्ट होता है ऑफ सुगर केन, सुगर केन पे ये ज़्यादातर पाया जाता है और उसी का ये कीड़ा कहा जाता है। बट इट आल्सो अटैक्स, लेकिन ये और जगहों पे अटैक करता है, जैसे मैज हो गया, वीट हो गया, बार्ली हो गया, बाजरा हो गया, ओट्स हो गया, ETC।
ये सभी प्लांट को जरा आप ध्यान से देखो बेटा, और जरा गन्ने को भी देखना। आप क्लियर एक चीज तो समझ जाओगे, जो लीफ होता है इन सब का, मोनोकोटिलोडॉन पौधे जितने होते हैं उनके लीफ की तरह हैं। अब आप तो समझ गए होगे, क्योंकि मोनोकोटिलोडॉन में क्या होता है, सिंगल लीफ वाले होते हैं, एक ठो बीच में लाइनिंग देखी जाती है। तो लगभग आप ये जान रहे हो, जौ का भी पौधा देखोगे तो ऐसे ही दिखलाई देता है, बाजरा का भी ऐसे ही होता है, बार्ली का भी, वीट का भी, मैज का भी, और गन्ने का तो होता ही है। तो ऐसे पौधे पे आपको ये दिखलाई ज़्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इन जगहों पे ये पाए जाते हैं, और ऐसा नहीं कि बस यहीं पे है, कुछ और जगहों पे है, देख लेते हैं कहाँ। सम टाइम ये ध्यान देना, जहाँ पे एकदम डार्क रेड कलर का, मैरून कलर का, जिसको खूनी कलर बोलते हैं, वैसा पत्ते पे या उसके स्टेम पे दिखलाई दे लक्षण, तो समझ लो कि ये पायरिला वहाँ पे लगा हुआ है। टाइम पेस्ट यानी सम टाइम दिस पेस्ट इज फाउंड ऑन भिंडी, लेडी फिंगर जिसको बोलते हैं भिंडी। जनरली आप कोई नहीं, आपको लग रहा होगा सर ने हिंदी में लिख दिया, तो हाँ बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप हिंदी में भी बायोलॉजी में लिख सकते हो। बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं, एग्जाम में लिखते लिखते रुक जाते हैं, उसका उनको वर्ड नहीं मालूम होता है, स्पेलिंग नहीं मालूम होता है, वो रुक जाते हैं। तो उसका हिंदी अगर मालूम है तो हिंदी में ही हिंदी शब्द का अंग्रेजी बनाओ, जिसको इंग्लिश बोलते हैं, इंडिया में इंग्लिश ही बोला जाता है इसको, तो उसको आप यूज करके आगे बढ़ सकते हो। वहां रुको मत, अब आगे बढ़ो, क्योंकि अगर एग्जामिनर ये देख रहा है कि लेडी फिंगर लिखे हो, तो वो उससे ज्यादा बेटर ये जान रहा है कि भिंडी, अगर आपने भिंडी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करके आगे जा सकते हो बेटा। फिर करेला है जिसको बिटर गार्ड बोला जाता है, फिर है कलीफ्लावर जो फूल गोभी होता है। बट दीज वेजिटेबल आर नॉट अल्टरनेटिव होस्ट ऑफ दिस पायरिला, होस्ट प्लांट ऑफ पायरिला। आप ये कह सकते हो कि इन सब जगहों पे भले ये पाए जाते हैं, लेकिन इन पे इनकी लाइफ नहीं चलने वाली है। लाइफ तो चलती है किस पे, सुगर केन पे, यानी गन्ने के पत्ती पे। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, सुगर केन लीफ हॉपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आप लोग प्लीज़ लाइक तो दबा दिया करो, इतना व्यूज आता है बच्चा लेकिन लाइक कम आता है, तो आप लोग लाइक दबा दो, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आपको भी वीडियो डेली प्रोवाइड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दो बार बोल चुके, ठीक है कोई नहीं, शेयर जरूर कर दीजिए।